स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में, और मैं हूं रवि रंजन। और आज आपके लिए एक खास प्रोडक्ट लेकर आया हूं। ये जो प्रोडक्ट है ये रॉकवेल कंपनी से आ रहा है। ये एक डीफ्रीजर है और ये एक ग्रीन डीफ्रीजर है। अगर आप एक डीफ्रीजर परचेज करने की सोच रहे थे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में आपको एक्चुअल में ग्रीन डीफ्रीजर क्या होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिव्यू आपके लिए मैं पेश करने वाला हूँ कि ग्रीन डीफ्रीजर कैसा होता है और इसको लेना आपके लिए क्यों प्रॉफिटेबल होगा, ये भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये डीप फ्रीजर है जो कि रॉकवेल कंपनी से आ रही है, और ये 350 लीटर का डीप फ्रीजर है। इंडिया का नंबर वन ग्रीन फ्रीजर है और ये डबल डोर हार्ड टॉप में आता है, और साथ में ही ये रॉकवेल कंपनी इसको मार्केट में लेके आई है। अगर आप ये देखोगे तो इसमें आपको 90 mm का इंसुलेशन भी देखने को, PU इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा, और ये कन्वर्टेबल है, नॉर्मल डीफ्रीजर नहीं है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ चिलर की तरह इसको यूज करना है तो आप सिर्फ चिलर की तरह यूज कर सकते हो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इसे एज ए डीफ्रीजर यूज करना चाहते हो तो आप इसको एज ए डीफ्रीजर भी यूज कर सकते हो। तो ये ग्रीन डीफ्रीजर्स कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज सबसे पहले तो 100% कॉपर कूलिंग कॉयल इसमें यूज हुआ है, तो अगर 100% कॉपर यूज हुआ है तो ही वो डिफ्रीजर ग्रीन डिफ्रीजर्स के कैटेगरीज में आता है। साथ में इसमें आपको 90 mm PU इंसुलेशन जो है वो मिल जाएगा, जो कि ये है आपका 90 mm PU पफ इंसुलेशन जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में पूरी बॉडी पे जो है 10 ईयर्स की बॉडी वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी, और 5 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी भी आपको मिल जाती है। अगर ये ग्रीन डीफ्रीजर्स परचेज कर रहे हैं या फिर अपने यूज में लेते हैं तो आप 53% पावर सेविंग भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सालाना आप 53% अपनी सेविंग कर सकते हो, और साथ में 50% लेस हीट जनरेट करता है। यानी कि नॉर्मल डीफ्रीजर्स अगर आप लेते हो तो उसमें अगर जितना भी हीट जनरेट होता है उससे ये 50% लेस हीट जनरेट करता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि आप एक डीफ्रीजर ले रहे हो, नॉर्मल डिफ्रीजर ले लेते हो, उसका अगर कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट अगर आपका कम नहीं है तो फिर आप बेनिफिट कैसे निकाल सकते हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप आइसक्रीम रखते हो या फिर कोई भी फ्रोजन आइटम्स रखते हो, उसमें जो मार्जिन है वो तो सारा मार्जिन आपका नॉर्मल डिफ्रीजर ही लेके चला जाएगा, तो आपको तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। अगर आप ग्रीन डिफ्रीजर लेते हो जो कि इनिशियली में भी शायद आपको थोड़ा 5-10% एक्स्ट्रा ज़्यादा पे करके परचेज करना पड़े, बट लॉन्ग रन में जो है ईयरली बेसिस पे आप एक अच्छा अमाउंट, आप एक अच्छे परसेंटेज जो है वो सेव कर सकते हो, जो कि आपके प्रॉफिट से ही जा रहा है। तो अगर आप एक डिफ्रीजर परचेज करने की सोच रहे हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं, यानी कि अपने रिटेल स्टोर्स के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हमारा रेस्टोरेंट या फिर टेक अवे वगैरह है या फिर हमारा आइसक्रीम पार्लर है, तो अगर हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को कहाँ पे सेव करें इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट तरीके से करेंगे और ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां से ओवर द टाइम, यानी कि कंप्लीट ईयर जो है, हमें एक अच्छी सेविंग देखने को मिले, एक अच्छा परसेंटेज हमारे प्रॉफिट का बच जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में ना जाए, उसके मेंटेनेंस में ना जाए, उसे हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर रहा है, साथ में आपके एनवायरनमेंट को भी खराब होने से बचा रहा है, यानी कि लेस हीट जनरेट कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये बेनिफिट दे रहा है लॉन्ग रन में। रॉकवेल जो है ये इंडिया में पहली बार 100% कॉपर कूलिंग
कॉयल के साथ जो है ग्रीन कन्वर्टेबल डिफ्रीजर्स मार्केट में लेके आई है। रॉकवेल कंपनी ने ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है इंडिया में। पहली ऐसी कोई कंपनी है जो कि 100% कॉपर ग्रीन कन्वर्टेबल डिफ्रीजर्स मार्केट में लेके आई है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा हैवी ड्यूटी कंप्रेसर और साथ में ही आपको वेंटिलेशन का भी पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड किया है। 360 व्हील देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आप बड़े आसानी से इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक लॉकेबल लीड भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आप इसको लॉक करने के बाद इसको सेफली अपने स्टोर के बाहर भी रख सकते हो या फिर किसी ऐसे जगह भी रख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड आता है या फिर इसको आप नहीं चाहते हो कि कोई अनवांटेड पर्सन जो है बार बार ओपन और क्लोज करे, तो उसके लिए आपको लॉक करना है, दैट्स इट। इसमें आपको हैवी ड्यूटी कंप्रेसर देखने को मिल जाएगा, साथ में यूनिक थ्री साइड एयर सर्कुलेशन भी डिज़ाइन किया गया हुआ है जिसकी वजह से बड़े आसानी से जो भी हीट जनरेट होता है यहाँ से बड़ी आसानी से एयर फ्लो हो जाएगी। रॉकवेल जो है 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि ये जो डिफ्रीजर है ये मेक इन इंडिया के अंदर ही आता है। और साथ में अगर टेम्परेचर की बात करें तो 8 डिग्री से लेके -23 डिग्री तक आपको इसमें टेम्परेचर मेंटेन आप कर सकते हैं। अगर साइज़ की बात करें तो 250 लीटर्स जो है वो सिंगल डोर में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके ऊपर अगर आप जाते हो 350 हो गया, 450 हो गया या फिर 550 अगर आप साइज़ लेने जाते हो तो आपको डबल डोर के ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। और ये सारे डिफ्रीजर जो हैं वो 5-स्टार रेटिंग के साथ आपको मिलता है, तो सेफ्टी के मामले में भी रॉकवेल जो है वो पीछे नहीं है। आपको एक 5-स्टार रेटिंग डिफ्रीजर अगर दे रहा है तो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट डिफ्रीजर है। आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप अपने शहर में या गांव में जहां पर भी आप रहते हैं वहां के ऑफलाइन स्टोर में भी जाके चेक कर सकते हैं। इनके पैन इंडिया जो है काफ़ी अच्छा नेटवर्क है और साथ में आफ्टर सेल सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी अदर ब्रांड का लूँ जो मेरे घर के आसपास है, तो आप रॉकवेल को भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी है। एक फ़ोन कॉल में आपके डोर पे इनके एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो रॉकवेल के साथ जुड़ने के बाद आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट की सर्विस या मेरे प्रोडक्ट की वारंटी वगैरह आपको कैसे मिलेगी। उसके लिए स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा होगा, उस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज जो है वहाँ पर भी ऑन कॉल सॉल्व करवा सकते हैं। आपको इसमें ग्लास टॉप भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास टॉप पड़ा हुआ है, तो ग्लास टॉप डिफ्रीजर और कूलर दोनों ही अवेलेबल है यहाँ पे। और साथ में इसके अलावा भी अलग अलग साइजेस के डिफ्रीजर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये कॉमर्शियल ग्रेड का डिफ्रीजर है तो मोबाइल वैन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे एक बड़ा सा डिफ्रीजर देखने को मिल रहा है, ये 550 लीटर्स में अवेलेबल है, हार्ड टॉप है। इसमें आपको डबल डोर देखने को मिल जाएगा और अलग अलग कंपार्टमेंट भी इसमें हैं और जाली वाली सब आपको देखने को मिल जाता है। एक्चुअली एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से रॉकवेल ने काफ़ी अच्छा काम किया है और यहाँ पर आपको छोटे साइज के भी डिफ्रीजर्स चिलर्स काफ़ी कुछ वैरायटी की कमी नहीं है। अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, कहीं से भी आप इनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। उसके लिए आपको पर्टिकुलर ऑफलाइन से ही लेना है या ऑनलाइन से लेना है इससे कोई मतलब नहीं है, इनके पास वैरायटी की कमी नहीं है। और वैरायटी के अलावा जो प्रोडक्ट हैं स्पेशली प्रोडक्ट, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, जो यूजेज है या फिर कस्टमर को एक लंबे टाइम तक भरोसा के साथ सर्विस प्रोवाइड करने का जो जज्बा है वो बहुत अच्छा है। आपको सर्विस भी देंगे आफ्टर सेल और साथ में प्रोडक्ट तो
दे ही रहे हैं आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रॉकवेल के जो डीप फ्रीजर्स मैंने आपको दिखाए हैं वो आपको कैसे लगे, और अगर इनका प्राइस वगैरह चेक करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस साइज़ का क्या प्राइस है। मैं अमेजोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई ऑफर भी चल रहा होगा अमेजोन की तरफ से या रॉकवेल की तरफ से तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।